41 मजदूरों की जिंदगी फंसी हुई है इस टनल में। और देखिए आप फिलहाल जो है एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो एक एक करके उस टनल के अंदर जा रहे हैं। पहले यहाँ पर जो अधिकारी थे उनसे कुछ बातचीत की है, कुछ लोग जो अंदर से आए थे उनसे बातचीत की है, और अब एनडीआरएफ के कुछ जवान हैं वो अंदर जा रहे हैं संभवतः चीज़ों का आकलन करने के लिए। लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन एक एक करके जवानों को अंदर फिर से जा रहे हैं। और वो देखिए एंट्री पॉइंट पर ही जो कुछ चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे अगर जो है राहत बचाव का जो ये काम चलाया जा रहा है वो सही से चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ की इसमें एक तरीके से महारत है। हमने देखा है कि जो है देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जब कहीं पर आपदाएँ आई हैं तो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है पहुँची हैं, और जो उन्होंने लोगों की मदद भी की है, लोगों की जान बचाने में भी मदद की है। तो फिलहाल यहां पर भी एनडीआरएफ को डिप्लॉय किया गया है और एनडीआरएफ के बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो यहां पर जो है तैनात हैं। अंदर से देखिए जो कुछ जो है ये बुलडोजर एक निकल के आ रहा है संभवतः जो ये बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार पूरी जो है ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। और अंदर से जो है एक मशीन को जो है लेकर के आया, शायद संभवतः वो मशीन फंस गई थी या क्या वजह रही है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से देख करके लग रहा है ये एक जो बुलडोज़र था वो अपने साथ में जो है एक पीछे एक और जो है बुलडोज़र है या क्रेन है, संभवतः क्रेन लग रही है, एक छोटी क्रेन जिसको जो है अपने साथ में बाहर लेकर के आया है। तो ये इस तरीके से कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर जो है डटे हुए हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि एनडीआरएफ की उसमें महारत है, एनडीआरएफ जो है देश दुनिया में इस तरीके से कई रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करता रहा है, लिहाजा एनडीआरएफ के जवान लगातार देखिए अपने साथ में जो है वो कुछ सामान भी लेकर के जा रहे हैं, अपने साथ में कुछ कुछ जो है इक्विपमेंट्स हैं संभवतः जिससे जो वो कुछ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या है यहाँ से दूर से कुछ देख पाना मुश्किल है, लेकिन अपने साथ में जो है वो कुछ कुछ जो है लेकर भी जा रहे हैं। तो एनडीआरएफ के जवान बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, उसके अलावा जो तमाम एजेंसीज हैं एक आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि एनडीआरएफ के पास में जो एक तरीके से महारत है इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की, लोगों को सुरक्षित बचाने की, तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से एनडीआरएफ के जो तमाम जो जवान हैं जो टीम है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की ये जो पूरी कवायद चल रही है उसमें। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ उत्तरकाशी।